देख रहे होंगे, स्वच्छता के नाम पे ये ऐसा घिनौना मजाक कब तक होता रहेगा और ये दीवालों पे चस्पा कब तक होते रहेंगे। आप लोग आके देख सकते हैं, ये गौर ब्लॉक का ये परिसर है, आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े सुनहरे अक्षरों में आपको दिख जाएगा, हर नागरिक का एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। देश के लिए स्वच्छता उतनी ही जरूरी है जितनी की शिक्षा। आप लोग सोच सकते हैं, जहां हम खड़े हैं, आप एक एक स्लोगन पढ़ लीजिए, जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब हर बच्चा स्वच्छ रहेगा। आप मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। स्वच्छता को अपनाएंगे तो धरा की खूबसूरत बनाएंगे। तो अब धरा को खूबसूरत इस तरह में कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि ये भद्दा मजाक है लोगों के साथ में? आप लोग देख सकते हैं, ये बगल में आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, हम भारतवासी का है का यह अभिमान, स्वच्छ भारत हमारा स्वाभिमान। ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान पे ठेस नहीं है क्या? है ये गौर ब्लॉक का परिसर है, जहाँ से सारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुँचती होंगी। अगर यहीं इस दीवार पे इस तरह का आपको स्लोगन मिल जाए और बगल में इस तरह का कूड़ा मिल जाए, आप सोच सकते हैं कि ये दिखावा किस लिए हो रहा है, किस लिए लोग झाड़ू उठा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, मीडिया में डाल रहे हैं, किस वजह से? अगर इसी ब्लॉक परिसर में इस तरह का घिनौना और भद्दा मजाक आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा, कैसे यहाँ पे एक एक स्लोगन में इतना कहीं ना कहीं भाव छिपा हुआ है, लेकिन उस भाव का क्या भद्दा मजाक इस गौर ब्लॉक के परिसर में दिखाया जा रहा है और आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा होगा। आप लोग बोल नहीं पा रहे होंगे, से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। बताइए, एक एक स्लोगन में इस तरह का भाव छिपा हुआ है, लगता है कहीं ना कहीं हमारे इस स्लोगन को लिखने के बाद भूल जाते हैं कि वाकई में ये हमारे ऊपर भी लागू होता है या नहीं। अगर इस तरह से घिनौना और भद्दा मजाक इस देश में होता रहा तो यूं ही आपको दिखाई देते रहेंगे कि यहाँ दीवार पे ऐसे स्लोगन चिपके रहेंगे और सामने इस तरह का कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार आप लोगों के सामने दिखता रहेगा और हमेशा दिखता रहेगा। मेरा तो काम सिर्फ आपको दिखाना था, कहीं ना कहीं जो हमारा काम है हम करते हैं, जो आपका काम है, अगर कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी उस काम को बाखूबी करने लगे तो यह कम से कम नज़ारा देखने को उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, कहीं ना कहीं ऐसी सब चीज़ों पे आवाज़ उठाएं, हमें बताएं, हम दिखाएं, कहीं ना कहीं हम और आप साथ मिलकर इस ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को बदल सकते हैं। लेकिन आपकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप नहीं तो ऐसे ही स्लोगन आपको हमेशा दीवालों पे ही चिपके मिलेंगे, धरातल पे आपको इसकी हकीकत दिखाई नहीं मिलेगी। लोग इस दीवार पे देख भी रहे होंगे, इस 2 अक्टूबर हमने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। अब ये 2 अक्टूबर कौन सा होगा, वह कौन सी गांधी जयंती ये लोग मनाएंगे, वह कौन सा 2 तारीख आएगा अक्टूबर का जिस अक्टूबर माह में ये भारत को स्वच्छ बना पाएंगे? भारत को तो छोड़िए, कम से कम गौर ब्लॉक परिसर को तो स्वच्छ बना लें। अगर इस परिसर को स्वच्छता से आपको दिखाई दे जाए तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गौर ब्लॉक का कुछ तो भला जरूर होगा। ऐसे स्लोगन ही नहीं, आपको हकीकत में भी कहीं ना कहीं स्वच्छता नज़र आती रहेगी। लेकिन ये 2 अक्टूबर जरूर एक बार BDO साहब से कल पूछना चाहेंगे हम इस पे, आज उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, मैं उनसे एक बार पूछ के ये जरूर जानना चाहूँगा कि ये 2 अक्टूबर कौन सा अक्टूबर होगा। आप लोग भी ज़रूर उनसे ये स्लोगन पढ़ने के बाद ज़रूर उनसे आके पूछिए। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ TV, मैं अमर मणि मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ।